जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, लाडो लाडलो, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी की जो भर्ती, आप सभी को पता 26,146 पदों पर ये जो भर्ती चल रही है, आज इसमें एक नोटिस और आया है। नोटिस किसके बारे में आपको बता दूं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण नोटिस है, ध्यान रखना। जो भी है कि एसएससी जीडी 2023 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना लाडलो, ठीक है। ये नोटिस आपको भी बोर्ड पर क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये कमांडो एकेडमी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कमांडो एकेडमी के नाम से, उसमें दे दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हर एक राज्य की होता क्या है, कई बार ऐसा होता है जैसे आप फर्स्ट चॉइस देते हो, मान लो जो आप फर्स्ट चॉइस दे रहे हो वो आपके राज्य में उसकी वैकेंसी नहीं है, तो आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगी। ये नहीं है जो मेरे पीछे आप पोस्टर देख रहे हो, जो पीडीएफ देख रहे हो, आपको इतने अच्छे से स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये फोटो से ली हुई है। इसमें है वैकेंसी स्टेट वाइज, यानी एसएससी जीडी में कौन से स्टेट से कितने पद है, यानी राज्य वाइज जो आपकी वैकेंसी है ना वो है इसमें, ठीक है। हर एक राज्य की अलग अलग वैकेंसी होती है, ध्यान रखना, और हर एक डिपार्टमेंट की। सबसे पहले एसएससी जीडी में क्या होता है, जितनी वैकेंसी मान लीजिए 26,146 पदों की वैकेंसी है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, राज्य वाइज डिवाइड कर देते हैं। फिर राज्य में भी कैसे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट की अलग से दी हुई है इस लिस्ट में, नक्सल एरियो की अलग से वैकेंसी दी हुई है और बॉर्डर एरियो की अलग से वैकेंसी दी हुई है। इसका मोटा मोटी जो फायदा मिलता है वो फर्स्ट चॉइस में मिलता है, यानी आपने, आप में से कईयों ने फॉर्म भर दिए होंगे, कईयों ने नहीं भरे होंगे, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो देख सकते हैं इस नोटिस को और फिर अपना फॉर्म फिलअप करें। मान के चलिए आप किसी बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो और वहां पर मान के चलो आप फर्स्ट चॉइस बीएसएफ देते हो। अब मान लीजिए राजस्थान में बॉर्डर एरिया से बीएसएफ की कोई पोस्ट नहीं है, तो आपको ये चॉइस नहीं मिलेगी, और सीआईएसएफ की वहां पर ज्यादा पोस्ट है तो आप सीआईएसएफ फर्स्ट दोगे तो आपको मिल जाएगी, और ये मेरिट में भी काफी अंतर डालता है। लेकिन हाँ, इसकी वजह से ऐसा नहीं, मान के चलिए कि आप जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आपने फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ डाल दी, बाद में आपने जब ये नोटिस देखा तब आपको पता चला राजस्थान में तो सीआईएसएफ की पोस्ट ही नहीं है, तो क्या आप भर्ती से बाहर हो जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भर्ती के अंदर ही रहोगे, बस आपकी जो फर्स्ट चॉइस है उसको निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी जो सेकंड चॉइस है उसको ही आपकी फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस की जाएगी कि इसकी सेकंड चॉइस दे दी जाए इनको, ठीक है। लेकिन आपको यह पता लग जाना चाहिए कि आपके राज्य से टोटल वैकेंसी कितनी है, ताकि आप कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर सको। तो इस नोटिस में पूरी की पूरी बताई हुई है कि कौन से राज्य से कितने पदों पर एसएससी जीडी की इस बार वाली भर्ती रही है, ठीक है। 26,146 जो पोस्ट है उनको डिवाइड किया गया है स्टेट वाइज, ठीक है। आप एक बार जरूर देखिए कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन पर, साथ ही लाड लो आप सभी को बता दूं एसएससी जीडी के लिए हमारा जो निर्धन बैच है मात्र 99 रुपए में है, क्लासरूम से डायरेक्ट लाइव चलता है, कमांडो एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां से आप वो बैच ले सकते हैं, ठीक है, तो वो काफी फायदेमंद होगा। हर रोज रात 7 बजे एक लाइव टेस्ट होता है एसएससी जीडी का, वो भी आपको देना ही देना है, समझ गए बात को, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक राज्य की जो वैकेंसी है वो आप उसमें देख सकते हो, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी आपके राज्य से एसएससी जीडी इस बार कितनी पोस्ट पर वैकेंसी करने वाला है, ठीक है लाडलो। जय हिंद। हाँ, कमांडो एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में भी तुरंत डाल रहा हूं मैं नोटिस, तो आप जाके देख लीजिए वहां पर। और हाँ, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आप मान के चलिए सीआईएसएफ फर्स्ट दे दिया, बीएसएफ दे दिया, आपके वहां के स्टेट में वो वैकेंसी नहीं है तो क्या आप भर्ती से बाहर जाओगे? नहीं, आपको सीआईएसएफ और बीएसएफ नहीं मिलेगी, उसके अलावा बाकी जो है वो मिलेगी।